चलो ठीक है। फिर राइट हैंड रूल क्या था? राइट हैंड रूल क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड रूल। हमको क्या करना है, जैसे हमारे पास दो वेक्टर्स है ना, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो जैसे मैंने कहा कि मुझे पता है क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वो होता है हमारा ए बी साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। और फिर हमने लिखा था एन कैप, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो आता है वो एक वेक्टर आता है। अब वो एन कैप क्या है, जो प्लेन है ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर है। तो अब दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक आउटवर्ड एक इनवर्ड। ठीक है, पहले तो देखो इनवर्ड डायरेक्शन को हम इस तरीके से दिखाएंगे ना, क्रॉस ये क्या बताता है इनवर्ड, और जब डॉट बनाएंगे डॉट का मतलब क्या है आउटवर्ड, याद रखना, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन में ऐसे एरो तो बना नहीं सकता, तो डॉट समझ लेना। देखो जब एरो को फायर करते हैं ना, तो अगर एरो तुम्हारी तरफ आ रहा है तो तुम्हें डॉट जैसा दिखाई देगा ना, तो समझ लेना ये अगर डॉट दिखे मतलब तुम्हारी तरफ आ रहा है तो आउटवर्ड हो गया, और जब अगर तुम फायर करते हो तो जो पीछे से एक क्रॉस रहता है ना एरो के, तो जब तुमसे दूर जा रहा है तो तुम्हें क्रॉस दिखाई देगा, तो क्रॉस मतलब तुमसे दूर जा रहा है, दूर जा रहा है मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे याद रख सकते हो कभी भूल जाओ तो। आया समझ में, इसका मतलब एरो अंदर जा रहा है, इसका मतलब एरो बाहर आ रहा है, ये क्लियर है क्या? ठीक है, इनवर्ड और आउटवर्ड ये डायरेक्शन हम इस तरह से दिखाएंगे। तो अब भाई दो एन कैप के लिए दो डायरेक्शन पॉसिबल है, एक आउटवर्ड दूसरा इनवर्ड। अब भाई उनमें से यूनिकली कैसे डिफाइन करें, तो वो भाई राइट हैंड रूल से पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन होगा। तो देखो राइट हैंड रूल को सीखना है अपन लोगों को ना, तो पहले एक बार मैं बता दूं फिर तुम सब पता पीटी करोगे यार, ऐसे हाथ इधर उधर करने पड़ेंगे तभी समझ में आएगा। पहली बार मैं बता दूं, देखो तो इसमें क्या कर रहे हैं, ए क्रॉस बी कर रहे हैं ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले जो पहला वाला वेक्टर है ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन में अपना हाथ रखो ना, जैसे ये रख दिया मैंने अपना हाथ, है ना। अब याद रखना कि बताए जो मेरा हाथ है ये समझ लो वो एरो का डायरेक्शन है ना, मेरा हैंड ऐसा ही रहना चाहिए, मैं इस तरह से घुमा सकता हूँ अपने हैंड को, ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ये 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 सब कुछ भी अलाउड नहीं है ना, तो ना यूँ घुमाने लगते हैं ऐसा, ये कुछ नहीं, याद रखना ये डायरेक्शन फिक्स रहना चाहिए, तुम्हारी फिंगर्स हमेशा ए वेक्टर के डायरेक्शन में जानी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, ये क्लियर है क्या इतना? ठीक है, तो ये तुम्हारा हाथ समझ लो ए वेक्टर बन गया ना। अब ये इस तरह से घूम सकता है, ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता, ऐसे नहीं घूम सकता, ये सब नहीं है, इस तरह से बस ये ध्यान रखो, ये तुम्हारा ए वेक्टर है। अब बी वेक्टर कहाँ है तुम्हारा, ऊपर की तरफ है, तो अब अपना करो पाम बी वेक्टर के डायरेक्शन में करो, करने की कोशिश करो, तो बेस्ट ऐसा कर सकते हैं बी वेक्टर के डायरेक्शन में, अब फिंगर्स को कर्ल कर लो और एरो को बाहर थम को बाहर कर दो, तो थम किस डायरेक्शन में जा रहा, आउटवर्ड जा रहा है ना, तो डायरेक्शन क्या हो गया आउटवर्ड। तो इस केस में एन कैप का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा एन कैप। आया समझ में, देखो फिर से कर देना, फिर से सब लोग खड़े हो जाओ, दूर दूर हो जाओ। तो कर देना वन, ठीक है, अपन को एक ही हाथ से करना है इस बार पीटी, है ना, ठीक है करो भाई, इस डायरेक्शन में कर लो सब लोग अपना ए वेक्टर के डायरेक्शन में ना, ऐसे अच्छे से करो बिल्कुल, ऐसे अच्छे से ऐसे, ये क्या है, मतलब ये क्या चल रहा है, इधर एक ए वेक्टर नीचे जा रहा है क्या, ऊपर जा रहा है ना, ऐसे करो। अब हाथ किस तरह से घूम सकता है ये बताओ, ऐसे ऐसे ना, तो ठीक है, तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में कर लिया, बी वेक्टर कहाँ पर, ये तुम्हारा ए वेक्टर तुम्हारा हाथ है ना, बी वेक्टर ऐसा जा रहा है ऊपर, सोचो अब अपना पाम है ना हथेली है जो, उसको उस तरफ करने की कोशिश करो, और घुमाने का तरीका क्या है, इसी तरह से घूम सकता है, तो ये कर लिया, अब कर्ल कर दो फिंगर्स, थंब बाहर की तरफ निकालो, तो बाहर जा रहा है ना, मिल गया ना डायरेक्शन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करा तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो हम इसका डायरेक्शन बोल सकते हैं आउटवर्ड। अच्छा बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करो तो कहाँ आएगा, ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या आएगा बताओ, तो अपन निकालने की कोशिश करते हैं इसका डायरेक्शन कहाँ आएगा, है ना, इसको अभी कुछ भी बोल देते हैं, नया यूनिट वेक्टर एम कैप बोल देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहला वेक्टर कौन सा हो गया बी वेक्टर, तो पहले वेक्टर के डायरेक्शन में अपना हाथ रखो, करो भाई ऐसे, है ना, जो था ना कोई एक्शन कॉमेंट तो सिंचन में आता था,
कौन था वो? तो सबको बताया ठीक है। तो बी वेक्टर के डायरेक्शन में कर लिया अपना हाथ, अब इस तरह से घूम सकता है ना। अब तुम्हारा हाथ बी वेक्टर है ठीक है। अब तुम अपना ऐसा करो कि तुम्हारी हथेली ए वेक्टर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए वेक्टर। अब तुम्हारा सोचो ए वेक्टर नीचे है तो ए वेक्टर के डायरेक्शन में अपना पाम करो, कैसा होगा? ऐसा होगा क्या? नहीं ऐसा होगा ना, ये ए वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। अब फिंगर्स कर्ल कर लो और थंब को बाहर निकाल दो, तो कहाँ गया? अंदर की तरफ आ गया ना। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कहाँ रहेगा, मतलब एम कैप तुम्हारा किस डायरेक्शन में है? अंदर की तरफ है। समझ में आया क्या? बैठो। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि एम कैप इज नथिंग बट माइनस एन कैप, क्योंकि एक बाहर है दूसरा अंदर है ना। तो एम कैप के डायरेक्शन एन कैप के रिवर्स है बस। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या बन गया तुम्हारा? माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप बन गया ना, है ना। ये बी ए साइन थीटा, एम कैप इज नथिंग बट माइनस एन कैप। समझ में आ रहा है? एम कैप अंदर की तरफ है, एन कैप बाहर की तरफ है। अगर एन कैप में एक नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, और दोनों ही यूनिट वेक्टर है तो दोनों का मैग्नीट्यूड वन है, डायरेक्शन भी सेम हो गया। तो एम कैप इज माइनस एन कैप। तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या है तुम्हारा? माइनस ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए बी साइन थीटा एन कैप क्या है तुम्हारा? तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या बन गया? माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये आया समझ में? देखो तो क्रॉस प्रोडक्ट में ये वाली चीज हमको एक याद रखनी है, नोट करके लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट में ऐसा होता था, यहां पर नेगेटिव साइन आ जाता है ना। बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि यहां पे डायरेक्शन दोनों का अलग अलग होता है, अपोजिट होता है, पर मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा ना। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर रहेगा, जो कि कितना है? ए बी साइन थीटा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, ए बी साइन थीटा। आया समझ में? लिखो जल्दी से, इतना लिखो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां पर कोई डाउट है क्या? आ गया क्या सबको क्रॉस प्रोडक्ट करना? आ गया क्या? नहीं आया मतलब, है ना, बोल नहीं रहे तो। आ गया? कितने लोगों को समझ में आ गया राइट हैंड रूल? मुझे पता है नहीं आया तो मैं समझ में, मैंने कहा ना झूठे हो। चलो ठीक है, देख लेते हैं यहाँ आगे तो पता चल जाएगा। चलो भाई क्वेश्चन कर लेते हैं। सी वेक्टर ये है, डी वेक्टर ये है, बस डायरेक्शन बताना है तुम्हें। सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, बस इतना बता दो। कौन बताएगा करके बताओ? सी वेक्टर यहाँ है, सही बात है, सी वेक्टर तो यहाँ है, ये तो सही बात है, सी वेक्टर नहीं है, है? अपन को सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर करना है ना, हमेशा पहले वाले वेक्टर के डायरेक्शन में हाथ रखते हैं। तो बाहर आया अंदर आया? कॉन्फिडेंट ही नहीं हो? सोचो ना, स्टेप्स बताइए वो करो। इनवर्ड है, ठीक है। चलो अपन फिर से एनालाइज करते, बैठ जाओ एक बार, मैं बता रहा हूँ ना, फिर तुम लोग करना इसको। किस स्टेप से याद होगा? स्टेप नंबर वन क्या है भाई? हाँ, राइट हैंड रूल, नाम बता रहा है भाई, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से करो, उल्टा आंसर आ जाएगा। ये नहीं कि किसी भी हाथ से चलता है, मैं तो लेफ्ट हैंड नहीं हूँ। अगर तुम लेफ्ट हैंड ही हो तो तुम गलत आंसर निकालोगे, तो जो आंसर निकालोगे हर बार उल्टा आएगा, राइट हैंड से ही करना है। समझ में आई बात? ठीक है, तो स्टेप नंबर वन क्या है भाई? पुट योर, कीप योर राइट हैंड फिंगर्स, लिखो, चलो लिखते हुए चलो, कीप योर राइट हैंड फिंगर्स फर्स्ट वेक्टर, जो वेक्टर पहला होगा उसके डायरेक्शन में रखना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राइट हैंड यहाँ पर वो सी वेक्टर है, मतलब अपना राइट हैंड ऐसे कर लो ना, राइट हैंड की फिंगर्स को सी वेक्टर के डायरेक्शन में करते हैं। अब वो इस तरह से घूम सकती है ना, ये मोशन अलाउड है बस, और कोई अलाउड नहीं है। ठीक है, स्टेप नंबर टू क्या है भाई? जो दूसरा वाला वेक्टर है, अब राइट हैंड फिंगर्स को तुम इस तरह से घुमा सकते हो अपने, अब जो पाम है उसको सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में करो, तो किधर आएगा बताओ? सेकंड वेक्टर इधर ही आ रहा है, इधर तो नहीं आ रहा, इधर भी नहीं आ रहा, इधर सामने दिख रहा है ना। तो देखो, रोटेट योर राइट हैंड सच दैट इट्स पाम फेसेस द सेकंड वेक्टर, सच दैट इट्स पाम फेसेस द सेकंड वेक्टर। थर्ड स्टेप क्या है?
भाई हो गया, पहले वेक्टर के डायरेक्शन में कर दिया, पाम को सेकंड वेक्टर के डायरेक्शन में करा, अब अपने ही फिंगर्स को कर्ल करो, है ना, कर्ल योर फिंगर्स, आउट स्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन नीडेड, जो डायरेक्शन हमको निकालना था वो कहाँ आएगा, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा थंब जा रहा है, राइट हैंड का थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन में हमारा वही होगा डायरेक्शन जो हम निकालना चाह रहे थे। मतलब ये तीन स्टेप क्लियर है सभी को? तो क्लियरली भाई सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर कर रहा हूँ, अंदर की तरफ जा रहा है, तो आंसर क्या है तुम्हारा, अंदर की तरफ। डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर जाएगा, करके बताओ, कौन करके बता रहे, उठा के लिया, मतलब कहाँ लिखा है उठाओ हाथ को, पहले करो ऐसे रख लिया ना, आप क्या कर सकते हो हाथ को कैसे घुमा सकते हो ये बताओ, हाँ इस तरह से, हाँ अब क्या करोगे, स्टेप बाय स्टेप बताओ मेरे को, सही है ना, पहला तुम्हारा पहला वेक्टर ये हो गया डी वेक्टर, इसके डायरेक्शन रखा ऐसे रोटेट कर सकते हैं, ये स्टेप वन, स्टेप टू इस तरह से रोटेट करो कि पाम सी वेक्टर के डायरेक्शन में चला जाए, अब कर्ल कर लो, बाहर की तरफ आ गया, बैठो, चलो ठीक है और करते हैं क्वेश्चन, है किसी को डाउट कुछ, मैं इस पर इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ ना कि अभी इतना सिखा रहे हैं, बाद में इसी में तुम पता ख़त्म हो जाते हो, रोटेशनल पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, तुमसे डायरेक्शन ही नहीं निकलता, अब पता नहीं हाथ कहाँ कहाँ क्या घुमाते रहते हो। चलो ये मान लो अपना पी वैक्टर है और अपना क्यू वैक्टर अंदर की तरफ है, फाइंड पी वैक्टर क्रॉस क्यू वैक्टर, ऊपर जाएगा डाउनवर्ड, लेफ्ट राइट अंदर बाहर, ठीक है चलो करते ना, पहला वेक्टर पी वेक्टर, ठीक है तो पी वेक्टर के डायरेक्शन में आधा दिया, अब घुमाते हैं इस तरह से घुमा सकते हैं, अब कहाँ रुकना है, क्यू वेक्टर कहाँ है, अंदर की तरफ है ना, इधर है ना, तो पाम को कैसा रोकेंगे, ऐसे कर्ल कर लो फिंगर्स, तो पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कहाँ आ रहा है तुम्हारा, अपर डायरेक्शन में आ रहा है, देखो आ रहा है क्या समझ में, चलो क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बताओ कहाँ आएगा, ये तो अपर्ड आ गया ना, क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कहाँ आएगा, करके देखो है ना, तो क्यू वेक्टर कहाँ है तुम्हारा, पहला वेक्टर क्यू वेक्टर हो गया अंदर की तरफ, ऐसा रखा समझ में आ रहा है क्या, आप इस तरह से घुमा रहे हैं कहाँ, पाम किधर करेंगे, पी वेक्टर की तरफ, तो ऐसे कर दिया, कर्ल कर दी फिंगर्स डाउनवर्ड, चलो ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, अपने यूनिट वेक्टर्स थे जो हमारे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो हमारे यूनिट वेक्टर्स थे क्या क्या थे, आई कैप जे कैप और के कैप, इनके निकालते हैं, मुझे बताओ आई कैप क्रॉस जे कैप, पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं सबसे पहले, मैग्नीट्यूड है ना, तो क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू साइन थीटा, एंगल कितना है आई कैप और जे कैप के बीच में, साइन 90 डिग्री, एन कैप, तो भाई मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप कितना होता है, वन, आई नहीं होता है ना, वन, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री, वन, तो अब हमें बस एन कैप निकालना है ना, तो ये आई कैप क्रॉस जे कैप क्या निकल के आया, एन कैप, अभी एन कैप क्या है वो पता करते हैं, क्या है बताओ, कौन करके बता रहा है, बताओ तुम करके बताओ, हाँ करो आई कैप क्रॉस जे कैप करके बताओ किस डायरेक्शन में आएगा, हाँ आउटवर्ड आएगा, ठीक है बैठ जाओ, ऐसे ही गैस मार लिया क्या, करके देखा है, ठीक है, तो भाई ये तुम्हारा इसके डायरेक्शन में रखा, अब जे कैप के डायरेक्शन में पाम को कर दिया, कर्ल करा, और जेड डायरेक्शन तो यही है ना, तो एन कैप हमें पता चला एन कैप इज नथिंग बट के कैप, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या निकल के आया, इसको याद रखना है, देखो यहाँ पे कुछ आउट दे दो, तो आई कैप क्रॉस जे कैप कितना हो गया, के कैप है ना, अब निकालते हो निकाल के, ठीक है चलो है ना, आई कैप क्रॉस जे कैप अपना के कैप हो गया ना, चलो अभी बोलो जे कैप क्रॉस आई कैप करके देखते हैं, तो जे कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, मैग्नीट्यूड तो बना जाएगा वन इंटू वन है ना, वो तो अपने देख लिया, डायरेक्शन बताओ, तो जे कैप ऊपर आई कैप इधर है, कर्ल करा
अंदर की तरफ, क्या है ये? माइनस के कैप। तो ये ध्यान रखना है तुमको, है ना। आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होता है? के कैप। और जे कैप क्रॉस आई कैप कितना हो जाएगा? माइनस के कैप। इसको याद रखने का मैं तरीका बता भी दूंगा अभी, चलो और करके देखते हैं ना। आई क्रॉस जे हो गया। अच्छा बताओ, जे कैप क्रॉस के कैप ये क्या होगा? कैसे करेंगे बताओ, करके बताओ। बहुत सही, बहुत सही, है ना, बिल्कुल सही। देखो जे कैप ऊपर की तरफ है, के कैप बाहर की तरफ है, तो पाम बाहर कर है ना, कर्ल कर दिया, तो आई कैप का डायरेक्शन है ना ये, तो आई कैप आ गया। जे कैप क्रॉस जे कैप आई कैप के डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो के कैप क्रॉस जे कैप कहाँ जाएगा बताओ? अगेन के कैप बाहर की तरफ, जे कैप ऊपर की तरफ, माइनस आई कैप। के कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा? के कैप कहाँ है अपना? बाहर की तरफ। और आई कैप कहाँ है? सामने। कौन सा डायरेक्शन ये? जे कैप। सो के कैप क्रॉस आई कैप इज जे कैप। आई कैप क्रॉस के कैप कितना हो जाएगा? तो आई कैप कहाँ है अपना? ये आई कैप क्रॉस के कैप, के कैप बाहर की तरफ है, तो माइनस जे कैप। देखो हमने सारे निकाल दिए, जितने छः पॉसिबल थे छः के छः निकाल दिए हमने, अब इसके अलावा कुछ नहीं बचा। ये सारे याद होने चाहिए ना, फटाक से निकालना। तो देखो इसको याद रखने का तरीका बहुत आसान है। कैसे याद कैसे रखेंगे? तो ऐसे आई जे, आई कैप जे कैप और के कैप, इसको ऐसे ऑर्डर में लिख लो, है ना। आई कैप के बाद क्या आता है? जे कैप के बाद के कैप, और के कैप के बाद। तो हमेशा तुम्हें ऑर्डर में जाना है, एरो के डायरेक्शन में जाओगे। तो आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा? के क्रॉस आई जे, और जे क्रॉस के आई, तो एरो के डायरेक्शन में चलोगे तुम हमेशा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, आगे हो जाएगा। तो जब भी तुम एरो के डायरेक्शन में जाओगे, देखो आएगा अगला वाला, देखो आई जे के तीनों ही है, तो आई और जे को करूंगा तो के मिलेगा, के और आई को करूंगा तो जे मिलेगा। अब बस क्वेश्चन इतना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा, है तो तीनों ही ना भाई, आई जे के, तो उनमें से ही कोई आना है। बस डाउट इतना है कि प्लस आएगा माइनस आएगा। तो एरो के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या आएगा? प्लस। एरो से अपोजिट जाओगे तो क्या आएगा? देखो जैसे आई क्रॉस जे करा, तो एरो के डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो क्या मिला मुझे? के कैप। अगर मैं जे कैप क्रॉस आई कैप करूँ तो अभी आ तो रहा है के ही आ रहा है, पर देखो एरो से उल्टा मूव कर रहा हूँ ना, तो क्या आएगा? माइनस के कैप। तो इसे तुम याद रख सकते हो फटाक से ना, बाकी थोड़े दिन में तो याद ही हो जाएगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी इन सबकी, पर अभी के लिए ऐसा सोच सकते हो। आया ये समझ में? देखो